करना चाहता था। प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए उसने कई प्रयत्न किए। एक दिन उसने भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर डेरा डाल लिया और सुबह शाम हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल जपता रहता था। ऐसे ही दिन महीने और साल बीत गए, परंतु भगवान की उस पर कृपा नहीं हुई, जिससे वो मोर बहुत निराश हुआ और रोने लगा। उसी समय वहाँ से एक मैना गुजर रही थी। उसकी नजर उस मोर पर पड़ी। मोर को रोता देख वो उसके पास आई और उसके रोने का कारण पूछने लगी और बोली, मैं बहुत हैरान हूँ, भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है, क्या मैं तुम्हारे रोने का कारण जान सकती हूँ? मैना की ये बात सुनकर मोर बोला, मैं पिछले काफी समय से प्रभु के द्वार पर बैठा हूँ, पर इन्होंने अब तक मेरी सुध नहीं ली। मैं इनकी कृपा दृष्टि चाहता हूँ, इसलिए निराश होकर मेरी आँखों से आंसू निकलने लगे। मैना बोली, तुम चिंता मत करो, मैं श्री राधे के धाम बरसाने से आ रही हूँ, वो बड़ी दयालु हैं, तुम मेरे साथ बरसाने चलो, वो तुम पर अवश्य कृपा दृष्टि करेंगी। मोर मैना के साथ बरसाने की ओर उड़ चला और वो दोनों राधा रानी के द्वार पर पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही मैना ने राधे राधे श्री राधे राधे हमारी प्यारी राधे का जाप करना शुरू कर दिया, परंतु मोर राधा रानी के द्वार पर भी अपने प्रिय श्री कृष्ण को नहीं भूल पाया और वहाँ भी बोला, हे गोविंद हे गोपाल। मोर के मुख से गोविंद का नाम सुनते ही राधा रानी दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और मोर को अपने हृदय से लगा लिया और पूछा, अरे मोर तुम कहाँ से आए हो? मोर बोला, जय हो राधा रानी की, आज तक सुना था कि आप करुणामयी हैं, परंतु आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वो कैसे? मोर बोला, मैंने आपके द्वार पर आकर बस एक बार आवाज लगाई, आप कृपा बरसाने दौड़ी चली आई और एक वो श्री कृष्ण हैं, पिछले एक वर्ष से उनके द्वार पर खड़ा गोविंद गोविंद जप रहा हूँ, आना तो दूर उन्होंने एक नजर देखा भी नहीं। तब राधा रानी बोली, नहीं नहीं मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं, अब तुम जाओ और फिर से उनके द्वार पर आवाज लगाओ, लेकिन इस बार गोविंद गोविंद नहीं राधे राधे बोलना। मोर ने राधा रानी की बात सुनी और तुरंत वापस श्री कृष्ण के द्वार पर आकर बैठ गया और राधे राधे जय जय श्री राधे रटने लगा। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण भागते हुए मोर के पास आए और उसे गले से लगा लिया और पूछा, रे मोर तुम कहाँ से आए हो? मोर बोला, वारे छलिया पिछले एक वर्ष से यहाँ बैठा तुम्हारा नाम जप रहा हूँ, आना तो दूर एक बार तुमने नजर भर देखा भी नहीं और आज श्री राधे का नाम सुनते ही तुम दौड़े चले आए। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, मोर तेरे मुख से राधा नाम निकला और तूने मुझे पा लिया, तू बड़ा भागी है, मैं तुझे वरदान देता हूँ, जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख मेरे शीश पर सजा रहेगा और जो भी भक्त श्री राधे का नाम लेंगे वो मेरी कृपा का पात्र बनेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।